आज बात करते हैं एलसीएम एचसीएल की, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम मीन क्या होता है? एलसीएम की परिभाषा है कि ऐसा जो नंबर हमको दिए जाएंगे तो हमको ऐसा नंबर लेना है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए। दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए एलसीएम, दी गई संख्याओं में भाग चला जाए और वह नंबर सबसे बड़ा हो तो एचसीएल। जैसे मैंने लिखा 12 और 18, दो नंबर मैंने लिखे 12 और 18, मुझे इन नंबरों का भाग देना है किसी नंबर में, दिए गए नंबरों का भाग देना यानी एलसीएम, और इन नंबरों में भाग देना यानी एचसीएल यानी मासा। अब मैंने लिखा यहाँ पे 144 में 12 का भाग जा रहा है, 144 में 18 का भी भाग जा रहा है, तो क्या 144 12 और 18 का एलसीएम है? दो कंडीशन होती हैं, एक तो भाग चला जाए, जितने भी नंबर दिए जाए उनका भाग चला जाए, और दूसरा ये कि वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्या अब भाग तो जा रहा 12 18 दोनों का यहाँ पे 144 में, क्या 144 सबसे छोटा ही नंबर है? इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जिसमें 12 और 18 का भाग जाए? बिल्कुल नहीं, 72 है, 72 में भी 12 और 18 का भाग जाएगा। क्या 72 से छोटा कोई नंबर नहीं है? है, कौन सा? 36। अब 36 सबसे छोटा नंबर ऐसा है जिसमें 12 और 18 का भाग जाएगा, 36 से छोटा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। एक तो दिए गए नंबरों का भाग चला जाए, उनसे डिविजिबल हो, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा नंबर हो, तो सबसे छोटा नंबर भी है और इनका भाग भी जा रहा, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। और यही अगर हम कहें कि 12 और 18 का एचसीएम कितना है, तो हमें अब इन नंबरों में भाग देना है, तो मैंने ऐसा भाग देना है जिसका सारे नंबरों में भाग जाए, ऐसे नंबर से भाग देना जिसका भाग सारे नंबरों में जाए, दिए गए सारे नंबरों में। तो मुझे दिया गया 12 18, तो 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, 12 में भी हो तो क्या 2 इसका एचसीएम है। अब कहा कि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 2 से बड़ा तो फिर 3 है, 3 का भी भाग जा रहा है इन दोनों में, क्या 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है? 3 से बड़ा है 6, ठीक है, 6 का भाग 12 में भी जाएगा और 18 में भी जाएगा, क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है? नहीं, तो 6 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएम हो जाएगा। 12 और 18 का एचसीएम कितना? 6। 12 और 18 का एलसीएम कितना? 36। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। एलसीएम मींस दिए गए नंबरों का भाग चला जाए, उसे हम एलसीएम कहेंगे, वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। अब दिए गए नंबरों में भाग चला जाए वो एलसीएम, लेकिन वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। बात उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है। आज मैंने दिया 12 और 18, मैंने कहा बेटा 12 और 18 का हमें अनुपात बताओ, रेशियो बताओ। तो आप कहेंगे सर 12 18 का रेशियो 6 × 12 और 6 × 18, ठीक है। तो इन संख्याओं का अनुपात कितना आया? 2 और 3, 2:3। तो अगर मैं ये कह दूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, आपने 12 18 को काटा कैसे था? 6 से। 6 मीन्स 6 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग चला जाए इसका मतलब मासा। तो यानी 12 और 18 का मासा, यानी लास्ट संख्या मासा ही होती, मासा से भाग देने फिर और किसी से भाग नहीं जाएगा। मैंने मासा से भाग दे दिया 6 से, अब 2-3 बचा, 2-3 में अब ऐसे कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाए, ठीक है। तो मैंने 6 से काटा और 2-3 आ गया, तो ये जिससे काटा इसका मतलब वो संख्या इन संख्याओं का मासा। तो मैंने 6 से काटा तो इसका मतलब 6 जो है वो 12 और 18 का मासा। अब अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका एचसीएम यानी मासा 6 है, तो इनमें बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ या इनका अंतर बताओ, उनका योग बताओ, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो मुझे पता है कि ये जो अनुपात आया है ये आता ही एचसीएम का भाग देने से, तो इसी में अगर हम एचसीएम का गुणा कर दें तो दोबारा फिर वही संख्या नहीं आ जाएगी। तो मैंने मुझे पता अनुपात 2-3 है, मासा 6 है, मुझसे अगर छोटी संख्या पूछी जाएगी तो मैं छोटे वाले अनुपात में बड़ा कर दूंगा, 6 × 12 ये छोटी संख्या,
अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो 3 गुणा कर देते, 6 × 18, ठीक है। अगर मुझसे संख्याओं का योग पूछा जाता तो मैं इसी अनुपात का योग करता, 2, 3, 5 गुणा कर देता मासा का, तो कितना हो जाता 30, या इनको जोड़ देंगे 12, 18 तो 30, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखो यहीं पे अगर यही 12 और 18 हमें दिया गया, हमें मैंने 6 से भाग दिया तो 2, 3 बचा, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है 12, 18 का लासा बताओ, एलसीएम बताओ, एलसीएम, तो मैं कहता 6 से भाग दिया ये, तो मैंने कहा सर 12 और 18 का एलसीएम है 6 × 2 × 3, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि आपने 6 × 2 × 3 किया, ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम कितना है 36, ठीक है। अब आप ध्यान से गौर से देखो, ये जो 6 है, ये जो 6 है ये 6 ही तो इन संख्याओं का मासा है, और लास्ट में आपने 2, 3 का गुणा कर रहे हो ना, 2, 3 का, यही 2 और 3 ही तो इन संख्याओं का अनुपात था, 12 और 18 का अनुपात कितना था, 2, 3 था। तो हम समझ पाए कि अगर हम संख्याओं के अनुपात का गुणा करें और मासा का गुणा करें तो लासा आएगा। तो यहां से बन के आया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम बराबर लासा बराबर क्या होगा, तो लासा बराबर होता मासा इंटू मासा में गुणा कर देंगे संख्याओं का अनुपातिक गुणन, संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल। ये अगर संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में हम मासा को गुणा कर दें तो लासा आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें दिया जाता कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका मासा एलसीएम अगर हमें दिया जाता 7 है, तो इनका लासा बताओ, एलसीएम बताओ, तो अब हमें संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं कि मेरे पास संख्याएं हों तो हम लासा निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं, एलसीएम ऐसे ही आ जाएगा। हमें पता है कि एलसीएम बराबर होता है एलसीएम इंटू संख्याओं का अनुपात के गुणनफल, यानी उनके रेशियो का मल्टीपल में अगर मल्टीपल कर दें चाहे एलसीएम का, तो एलसीएम आ जाएगा। तो अनुपात हमें दिया गया 2, 3, तो इनका गुणनफल, गुणनफल है ना, तो इसमें मैंने कर दिया कितना आएगा इनका, इनका गुणा 6, इसमें गुणा करने जाएगा मासा का, तो मासा कितना दिया 7×42, तो उन संख्याओं का जो लासा है वो कितना आ जाएगा 42, यानी 42। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लासा बराबर मासा इंटू संख्याओं का अनुपातिक गुणन, क्लियर। चलो क्वेश्चन आपको हम बोलते हैं, अच्छा सा दो संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं के ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 1 है, 10,800 है, इन संख्याओं का अंतर बताओ,
संख्याएं बताओ, संख्याओं का योग बताओ, बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, उनका अंतर बताओ, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी लिखा था एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू जो नंबर है उनके रेशियो का मल्टीपल। ठीक है ना, यही है। अब आप हमको बताओ कि एलसीएम बराबर अगर ये होता है तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो गुणनफल है ये काय है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमको दिया गया है यहाँ पे। अब इस एलसीएम की जगह पे, इसकी जगह पे तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, तो क्या मैं एलसीएम की जगह पे इस चीज को लिख दूं, इस चीज, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मासा इंटू लासा की जगह लिख दिया मासा इंटू संख्याओं का अनुपात गुणनफल, संख्याओं का अनुपात गुणनफल। ठीक है, हमको ये बताओ कि हम दो बार एचसीएफ इनटू एचसीएफ कर रहे हैं, मासा गुणा मासा, तो मासा का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमें पता चला ये जो 10,800 है इसमें मासा का स्क्वायर, मासा का स्क्वायर और इनटू संख्याओं का अनुपात गुणनफल है। तो अगर हमको ये बताओ कि अगर संख्याओं का अनुपात गुणनफल इनटू मासा बराबर ये है, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात गुणनफल, अनुपात हमको दिया गया है क्वेश्चन में तीनों चार का मल्टीपल कितना हो जाएगा 12। तो अगर ये 12 इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो बाद में आएगा, तो अगर मैं इधर 12 से डिवाइड कर दूं तो इधर फिर एचसीएफ का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, मासा का स्क्वायर बचेगा। तो मैंने कह दिया कि मासा का स्क्वायर बराबर, ये काट दिया मैंने 900, तो मासा बराबर कितना आएगा फिर, मासा बराबर 30, यहाँ से मासा बराबर 30 आ गया। अब हमें पता है अगर मेरे पास एचसीएफ है, मासा है, तो मासा का गुणा अगर हम अनुपात में कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा गया है यहाँ पे अंतर पूछा गया है, अंतर संख्याओं का अंतर बताओ, तो अंतर मुझे पता है ना, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 मतलब भाई मासा 1 यूनिट वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी जाती तो मासा का गुणा कर देते 3 में तो कितना हो जाता 90, बड़ी संख्या पूछी जाती तो 30 का गुणा कर देते 4 में तो 120। ठीक है, अगर योग पूछा जाता तो इन्हीं को जोड़ देते 210। क्लियर, समझ आएगा, इससे कुछ बेनिफिट हुआ लगा के, अगर किससे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल। ठीक है, संख्याओं के अनुपात का मल्टीपल में अगर मल्टीपल करने जाएगा एचसीएफ का तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, बताना आप हमको बताओ बारह के दो मल्टीपल हैं बारह के दो गुणज हैं। ठीक है, जिनका एलसीएम, जो एलसीएम है वो हमको दिया गया है यहाँ पे 1056। और एक संख्या दी गई है 132, तो दूसरी संख्या पूछी है, एक संख्या दी गई है एक
132 और दूसरी संख्या हमको पूछी गई है कि दूसरी संख्या बताओ, ठीक है। अब हमको बताओ यार कि हमें यहां से पता चला कि अगर वो दोनों ही संख्याएं 12 का गुणज है, 12 का मल्टीपल है, तो दोनों ही संख्याओं में 12 का भाग जरूर जाएगा, 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक संख्या अगर हमको 132 दी गई है तो मैंने इसमें पहले 12 का भाग दे दिया, अगर जब मैंने इसमें 12 का भाग दिया तो ये 11 आया, और जो 11 है वो प्राइम नंबर है, एक अवाज संख्या है। तो हमको यहाँ पता चला कि जो नंबर हैं, जो 12 के गुणज हैं, उनका मासा ही 12 है, क्योंकि जैसे ही मैंने 12 का भाग किया अवाज संख्या आई। अब इसमें तो कुछ कॉमन निकल जाएगा नहीं, तो 12 में गुणा कर दें। अब 12 में गुणा सीधा सीधा 11 का करेंगे तो वो सीधा 132 यानी एक संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से मैं समझ आया जो वो 12 का गुणज बोल रहा है, इसका मतलब 12 ही उन संख्याओं का मासा यानी एलसीएम है, क्योंकि जैसे ही हमने 12 का भाग पहली वाली संख्या में दिया तो 11 आया। 11 एक अभाज्य संख्या है जिसके आप फैक्टर और हो नहीं सकते, इसका मतलब उन दो संख्याओं का मासा कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। क्लियर, ठीक है। तो हमें कुछ करना ही नहीं, बाद बाकी तो एक आपका है पहली संख्या इंटू दूसरी बराबर लासा इंटू मासा। तो लासा हमको क्वेश्चन दिया गया 1056, मासा मैंने जान पाया 12 है, एक संख्या हमें 132 दी गई है और दूसरी पूछी है। जब दूसरी बराबर निकालेंगे तो 132 इधर आएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 132 काट दिया मैंने, 11 काटा, 11 × 99 बचा 6 × 11 = 66। तो दूसरी संख्या हमारी आ गई 96, दूसरी संख्या कितनी आ गई 96, ठीक है। हम चाहते तो हम ये फॉर्मूला यूज ना करके, ये यूज ना करके हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, हमें पता है कि अगर हमने 12 का जैसे ही भाग किया 132 में, 132 डिवाइड बाई 12 तो 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो हमें यहाँ पता चला एलसीएम 12 है। जब एलसीएम 12 है तो अभी अभी मैंने बताया कि एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इंटू संख्याओं का अनुपात गुणन। तो अगर हम एलसीएम को उधर ले जाएं तो वो भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम अपॉन एलसीएम, लासा बटा मासा, लासा बटा मासा बराबर संख्याओं का अनुपात गुणनफल, संख्याओं का अनुपात गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का अनुपात अनुपातिक गुणनफल, ठीक है। अब हमको ये बताओ, तो हमको ये दिया लासा है 1056, मासा 12 का भाग दे दिया, बराबर कितना आया 12 × 96 बचा कितना 9, फिर 12 × 96 88 आया, 88 आया। अच्छा ये बताओ, अब 88 के हम, ये 88 जो आया है ये संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल आया। अब संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल आया है, नहीं संख्याओं का कोई अनुपात होगा उसका गुणन किया होगा। अनुपात का मतलब होता है, तो जाहिर बात है हमें इसके फैक्टर करने हैं, फिर अगर ये गुणनफल है तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 88 के फैक्टर 2 और 44 होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 88 के फैक्टर 2 और 44 कर दिए, 2 × 44 88 हो गया, लेकिन आपको पता है कि वो अनुपात आएगा मासा भाग देने का, अनुपात का गुणनफल है अनुपात का, और अनुपात का गुणनफल का मतलब ये है कि
जब हमने अनुपात निकाला होगा तो वो किसी नंबर और किसी नंबर तो फिर कटेगा नहीं। अगर मैं इसके फैक्टर 2 और 44 ले रहा हूँ, ये तो अभी 2 से कट जाएगा ना, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमको समझना होगा जो हम इसके फैक्टर करेंगे, जो गुणनखंड करेंगे, वो ऐसे करेंगे जो किसी एक ही नंबर से ना कटे, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके वेक्टर इसके बाद कौन, फिर मैंने अगर मैं 4 और 22 लूंगा तो यहाँ भी भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 8 और 11। तो मुझे यहाँ पता चला, यहाँ से संख्याओं का अनुपात पता चल गया, संख्याओं का अनुपात कितना है 8 और 11। और मुझे ये भी पता है अनुपात में अगर मैं एलसीएफ का मल्टीपल कर दूँ तो संख्याएं आ जाती हैं। तो एलसीएफ हमारा कितना आया था अभी, 12। एलसीएफ कितना है 12, तो 12 का मैंने गुणा कर दिया, 12 8 96। इधर करेंगे तो 12 एकम 12 है 13, 132 हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 96। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है। 29 से बड़ी, ठीक है, दो संख्याओं हमें एचसीएफ दिया गया है, कितना है 29। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया है 29, दो संख्याओं, ठीक है। और ये दो की दोनों ही 29 से बड़ी हैं, दो की दोनों ही 29 से बड़ी हैं, 29 से बड़ी हैं दोनों, ठीक है। ये हमको कंडीशन दी है कि जो संख्याएं हमारी दो, फिर दो की दोनों 29 से बड़ी हैं और उनका एचसीएफ जो है वो 29 है, उनका एचसीएफ कितना है 29 है। आगे है कि इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 4147 है, 4147 है। तो पूछा है कि वो संख्याएं बताओ कौन सी होंगी, तो हमें पता है कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको 29 से, 4147 को मैंने 29 से डिवाइड किया, 29 से करेंगे तो 1 और ये 4 3 और ये 3, ठीक है, 143, 143, ठीक है। एलसीएम में भाग दिया एचसीएफ का, लासा में भाग दिया मासा का, तो लासा में जब मासा का भाग देते हैं तो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, तो ये जो आया है ये अनुपात के गुणनफल है कि नहीं है, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे 11 और 13, बस यही होंगे, इसके अलावा कुछ होगा 11 और 13। अब मेरे पास संख्याओं का अनुपात भी है, मेरे पास मासा भी है, तो अगर मैं मासा का गुणा करूँ तो संख्याओं के अनुपात में, ठीक है, तो संख्याएं आ जाएंगी। तो बस मैंने गुणा कर दिया 29 का 29 2 29 और 2 31, एक संख्या आएगी 329 और दूसरी आएगी 7 8 29 और 8 37, एक संख्या 377 और दूसरा 300। अच्छा ये बताओ, ये जो 143 था, तो 143 के फैक्टर 1:143 भी तो हो सकता है, तो मैंने यही क्यों लिया, 11 और 13 ही क्यों लिया, ये फैक्टर तो सबके हो जाएंगे ना, अगर प्राइम नंबर भी होगा तो प्राइम नंबर की परिभाषा भी यही होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, और दो कौन कौन से, एक तो स्वयं और दूसरा एक, तो ये फैक्टर तो सबके हो जाएंगे, तो 143 के भी ये फैक्टर हो गए, ठीक है ना, 1 और 143। तो मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया, देखो ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने हमको कंडीशन दी है, ठीक है, कि दोनों ही संख्याएं 29 से बड़ी हैं, 29 से बड़ी हैं। अगर मैं ये रेशियो ले लेता ये वाला, तो ये रेशियो आ गया, और रेशियो में हम मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, एचसीएफ का, तभी ना संख्याएं आएंगी, तो एचसीएफ है हमारा 29। तो मैंने जैसे ही 1 में मल्टीपल किया 29 का, तो एक नंबर हमारा कितना आएगा 29, और उसने तो मना किया, उसने ये कहा कि दो के दोनों नंबर 29 से बड़े हैं, तो ये तो एक नंबर 29 आ जाता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ आया, और इसलिए हम ये लेंगे। तो एक संख्या 319 और दूसरी
स्वतंत्र, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दो की दोनों तीन अंकों में, कितने हैं दोनों नंबर तीन अंकों वाले, दोनों नंबर कितने अंकों वाले हैं तीन अंकों वाले, दोनों नंबर तीन अंकों वाले हैं, इनका लासा 714 दिया, मासा 17 दिया और आपसे संख्याएं पूछी हैं, जल्दी बताओ कौन। देखो मैंने दिया जिसे 17 से डिवाइड कर दिया, लाभा को मासा से डिवाइड कर दिया तो अनुपातिक गुणन बनाएगा, भाग दे दिया 17 से भाग दिया कितना आया कितना 42। अब 42 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो 2 और 21, दूसरा 3 और 14, 6 और यही तो फैक्टर होंगे। अब ये और ये तीन हमारे रेशियो निकल जाएगा, इसके तीन ही फैक्टर होंगे, एक और ही होगा वही वाला है, वन वाला, ठीक है। जब इसमें हम 17 से मल्टीपल करेंगे तो 17 तो हमारा क्या है मासा है, तो अनुपात में मासा का गुणा करेंगे तभी ना संख्याएं आएंगी। तो जैसे ही मैंने एक में मासा का गुणा किया यानी 17 का, तो 17 आएगा, 17 के अंकों में संख्या है, उसने कहा दोनों तीन अंक क्यों नीचे आएंगे, ये वाला गलत। फिर इस दो में मैंने 17 का किया तो 34, वो भी 2 अंक की, तो ये भी गलत। तीसरी 51, ये भी गलत, इसमें करेंगे तो 17 छक्का 102, तो ये ठीक है, ये 102 और ये 119 ठीक है। तो ये वाला रेशियो हमारा बनेगा 6-7 वाला, ठीक है। अगला लिखो, अगला है दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग 680 दिया है, मासा और लासा का योग 680, मासा प्लस लासा 680, ठीक है। और आपको उसने कहा है कि लासा मासा का 84 गुना है, लासा जो है वो मासा का 84 गुना है, यानी हमें रेशियो दिया है क्या का एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएम का कितना दिया है 84 गुना है, एक और एक संख्या हमको दी है, एक संख्या दी है यानी पहली संख्या दी है 56 और दूसरी पूछी है, दूसरी हमसे पूछी गई, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ लासा माता का रेशियो दिया गया है और इधर लासा माता का योग दिया गया है, तो मैंने इनका योग कर दिया 84 और 1 85 यूनिट वैल्यू
600, तो एक यूनिट वैल्यू पचासी का भाग दे दिया, 17 × 50 और 17 × 4 एक यूनिट वैल्यू, 1 = 8 तो हमारा मात्रा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये बताओ मात्रा 8 आ गया, अगर हम इसमें अब यहाँ पे भी अगर हम 8 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, आपको एक चीज और समझाते हैं, हम कभी भी लासा में मासा का भाग देंगे तो मासा का तो भाग पूरा पूरा जाएगा ना लासा में, तो मासा तो हमेशा एक यूनिट ही जाता है, और अगर हमने लासा में मासा का भाग दे दिया, जब मासा एक यूनिट आएगा तो इसका मतलब जो लासा वाला जो अनुपात होगा वो होगा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। अगर बात नहीं समझ आई हो तो ऐसे देखो, मैंने दो संख्याओं का जैसे मैंने लिखा 12 और 18, दो संख्याएं हैं, इनका लासा कितना है 36 और इनका मासा कितना है 6, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये लासा है 36 और ये मासा है 6, अगर मैं इनका इनका अनुपात निकालूं तो 6 × 6 = 7, मासा की तरफ हमेशा एक आएगा क्योंकि मासा का पूरा पूरा जाएगा। अब एक आने के बाद इधर जो लासा की तरफ जो अनुपात बचेगा यही तो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल होगा। 12 और 18 के संख्याओं का अनुपात कितना होगा 2-3, और 2-3 का गुणनफल कितना होगा 6, वही तो यहाँ है 6। हमें बताया मासा का भाग जो हम लासा में देते हैं तो संख्याओं का अनुपात गुणनफल ही बचता है, ठीक है। जब ये एक है जिसका मतलब हम भाग दे चुके हैं लासा में मासा का, तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे कि अगर ये अनुपात एक है, ये अनुपात एक है मासा की तरफ और अगर लासा की तरफ 84 है तो इसका मतलब हम भाग दे चुके हैं ना मासा का लासा में, तो ये जो 84 है ये अनुपात का गुणनफल है। तो बस इसमें मैंने फैक्टर कर लिए कितने आएंगे 12 और 7, 12 × 7 = 84, ठीक है क्लियर। अब हमें यहाँ पे हमें मासा पता चल गया, मासा पता कितना है 8, यानी 85 यूनिट की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी 85 = 680, तो 1 = 8, 1 = 8 तो 7 = 56 और 12 = 56 हमको क्वेश्चन में दी है, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में दी है, एक संख्या जो दूसरी संख्या कितनी आ गई 56, ठीक है। अगला आंसर आया था ये पहले ही, देखो अगला देखो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16, जिनका मासा 16 तथा लासा 136 है, मासा 116 तथा लासा है, वो मासा 16 तथा लासा 136 है, संख्याओं के जोड़े पूछे हैं, पैर पूछे हैं, ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं बताना। आया नहीं आया, देखो लासा हमारा कितना दिया 136, मासा कितना दिया 16। अब हमें ये तो पता है कि लासा आता ही मासा के मल्टीपल से है, लासा कहां से आता है, जब अनुपातिक गुणनफल में मासा का गुणा कर देंगे तभी ना लासा आएगा, तो लासा आता ही मासा के गुणनफल से है, तो इसका मतलब है लासा में मासा का तो भाग जरूर जाएगा ही है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने 136 में 16 का भाग दिया,
170 में क्या 16 का भाग जाएगा? 170 में 16 का भाग जाएगा? जब भाग ही नहीं जाएगा तो दुनिया में ऐसी कोई संख्याएं पैदा ही नहीं हुई हैं जिनका लाशा 176 हो, मासा 16 हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आपको इतना तो कन्फर्म है कि लाशा आता ही मासा जबड़न बदल रहे, तो मासा का भाग तो जरूर जाएगा। तब 176 में 16 का भाग ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा कि जिनका लाशा 176 हो और मासा 16 हो, एक भी नहीं हो। ठीक है, आगे दो संख्याओं का योग 36, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36, 36 संख्याओं का योग है। ठीक है, और इनका मासा 3, लासा 105, मासा 3, लासा 105। ठीक है, अब आपको पूछा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रमों का योग यानी इनवर्स, जब हमें कुछ नहीं करना वही करना है उतना। ठीक है, लासा में मासा का भाग दो, 105 में 3 का भाग दिया 35 आया 35। ठीक है, तो 35 के फैक्टर 5 और 7 ही तो होंगे, केवल 10 में 35, तो यानी इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 5-7 अनुपात मेरे पास है, मासा मेरे पास है, तो क्या आप संख्या नहीं निकल पाए? अनुपात में मासा का गुणा करो, 3 में 5 का गुणा किया तो 15, और 3 में 7 का गुणा किया तो 21। ठीक है, तो एक संख्या 15 आ गई, दूसरी 21 आ गई। इनके व्युत्क्रमों का यानी इनवर्स करके जब इनका योग पूछा है तो 1/15 + 1/21 इनका योग पूछा तो 105, 15 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 7 बार, ऊपर 7 का बड़ा एक बार 5 बार, 5 का ऊपर बड़ा तो 12/105। कट रहा है किससे? 3 से, 3 चौका 12, इधर कट रहा है 3 तरफ का 3 बजे 15, 4/35 यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा 4/35। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर मैं नंबर को ए और बी ले लूं, वो दो नंबर ए और बी है, एक नंबर ए है दूसरा बी है, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का योग यानी 1/A + 1/B, एलसीएम आएगा ए बी, एलसीएम आएगा ए बी, तो ए बी में ए का भाग देंगे तो बी आएगा, तो बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, बी का भाग देंगे तो ए आएगा, ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, तो हमारा ऊपर आया a+b/ab, यानी हमें पता चला तो व्युत्क्रमों का जो योग होगा, व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो संख्याओं का योग करें और उनमें भाग देते हैं संख्याओं का गुणनफल का, ये तो नीचे संख्याओं का गुणा हो रहा और ऊपर संख्याओं का योग हो रहा, तो अगर हमें व्युत्क्रमों का योग चाहिए है तो हम क्या करें, संख्याओं के योग में इनके मल्टीपल का भाग दे दें संख्याओं में। ठीक है, अब संख्याओं का योग तो हमें क्वेश्चन में दिया 36, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 30। अब बात आई संख्याओं के गुणनफल की, संख्याओं के गुणनफल की, अब मुझे केवल संख्याओं का गुणनफल ही तो देखना है, तो आपको नहीं पता संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के मल्टीपल के बराबर होता है? संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? मासा और लासा के मल्टीपल के बराबर होता है, तो मासा और लासा हमको दिया है 105 और 3, तो मैंने भाग दे दिया 105 और 3, दोनों संख्याओं का गुणनफल 105 और 3, और योग 36 काट दिया इसे 12, ये काट दिया तो 4/35 हम ऐसे भी कर सकते थे, और आप नहीं समझ पाए कि संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा, तो आपको ये पता है ना पहली इंटू दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? मासा इंटू
लासा। तो कहीं हमें दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए पहले दूसरी का, तो मैं अगर मासा लासा का गुणा कर दूं तो भी तीन के गुणनफल के बराबर ही आएगा, तो हमें यहाँ गुणनफल ही चाहिए था किसका, मासा और लासा। ठीक है, समझ आई ना। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो भी ठीक लगे आप लगा लें। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आया कि नहीं आया? आया ना। अगला क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लासा 84 है, मासा बताओ। 3:4 एलसीएम 84, एचसीएफ पूछा है कितना है, ये मैंने कहा इसको याद करो। लासा बराबर होता है मासा इंटू अनुपातिक यही बताया मैंने, अगर मासा बदल है बटा है तो लासा बटा मासा बराबर होगा अनुपातिक। कभी आपको कोई मासा बराबर पूछे तो होगा लासा बटा अनुपातिक गुणनफल, और अनुपातिक गुणनफल बराबर पूछे तो होगा लासा बटा मासा। ठीक है, लासा बराबर होता ही है मासा इंटू अनुपातिक गुणनफल। ठीक है, तो तीनों चीजें निकाल पाओगे तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया था, मासा पूछा गया था, तो मासा बराबर क्या होता है, मासा बराबर होता है लासा में भाग देने का एक अनुपातिक गुणनफल था, तो लासा में 84 दिया गया है और अनुपात का गुणनफल 3×12 है, भाग दे दिया 12 तो 7 दिया, अंतर आया तुम्हारा 7। ठीक है, अगला